नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कमल हसन के हिंदू आतंकवादी बयान पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव का पलटवार, कहा दिमाग संतुलन खो बैठे हैं वो। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान बाकी है। चुनावों के साथ ही राजनीतिक पार्टी के नेता अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड अभिनेता कमल हसन द्वारा दिए गए एक बयान से राजनीति में हलचल मचा दी है और उसी बयान के बाद भाजपा उन पर लगातार हमला बोल रही है। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान कमल हसन ने कहा कि भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। कमल के इस बयान के बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और तमिलनाडु भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे मुरलीधर ने कमल हसन पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। मुरलीधर राव ने कमल के बयान पर कहा कि वो पागल हो गए हैं। आतंकवादी के नाम पर भारत में संपूर्ण जाति को या प्रदेश को या महज इंगित करना बुद्धिमानी नहीं है या देश हित में भी नहीं है। यह सही समस्या का समाधान भी नहीं है। सभी मजहब के बारे में हमारी मान्यता है कि शांति और सौहार्द के लिए काम करें। उनका गलत जिस प्रकार के विवेचना की जा रही है वह उनकी दिमाग की उपज है। अचानक बाबा दरबार पहुँचे सीएम योगी, विधि विधान से किया पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव 2019 अब अपने अंतिम चरण में है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी जनसभा को रैलियां करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में सुबह के मुख्य योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल का दौरा खत्म कर सोमवार की रात अचानक वह बाबा के दरबार पहुंचे। रात्रि तकरीबन 10:30 बजे सीएम योगी का काफिला सर्किट हाउस से विश्वनाथ मंदिर पहुँचा। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिक्षेत्र का प्रबंध किया। करीब 15 मिनट सीएम ने अधिकारियों से वार्ता किया। मंदिर परिक्षेत्र का प्रबंध करते हुए वह बाहर निकले। यहां से वो सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सीएम ने रात्रि सर्किट हाउस में किया। अखिलेश यादव बोले, मोदी हमारे नहीं सिर्फ 1% लोगों के पीएम है। गाजीपुर में सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन संयुक्त रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। RTI मैदान से शनिवार को पीएम मोदी ने हुकार भरी। उसी मैदान में सोमवार को महागठबंधन के दिग्गज जुटे थे। मंच से अखिलेश यादव ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन पहले जो जनसभा इस मैदान में हुई थी जनता ने उसका सफाया कर दिया। अखिलेश ने कहा कि यह देश के भविष्य का चुनाव है। मोदी सरकार की वजह से देश नाजुक स्थिति में है। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार ने भर्तियां आसान कर दी है। पहले समय लगता था समाजवादी पार्टी सरकार में 10वीं-12वीं पास करके दौड़कर दिखाने वाले को भर्ती हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो हमारे नहीं है, वह देश के 1% लोगों के प्रधानमंत्री है। अखिलेश ने कहा कि मोदी चाय वाला बनकर 2014 में आए थे। चाय वाला समझकर लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। हालांकि 5 साल में पता चल गया कि चाय कैसी थी। अब चाय का नशा उतर गया है क्योंकि चाय वाले अब चौकीदार बनकर आ रहे हैं। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।